इंटरनल ऑडिट्स स्टैचरी ऑडिट्स फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट कारपोरेट मैटर्स और डायरेक्ट टैक्सेशन आदि में एक्सपर्टीज रखने वाले सी सत्यम गुप्ता जी के पास ऑडिटिंग अकाउंटिंग टैक्सेशन जीएसटी और कॉन्करेंट बैंक ऑडिट्स आदि में वृहद अनुभव प्राप्त है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कॉन्करेंट ऑडिट ऑफ बैंक्स कर चुके सीए सत्यम गुप्ता जी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के एसोसिएट मेंबर भी हैं। वर्तमान में एम एस गुप्ता सत्यम एंड एसोसिएट्स में प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट सी ए सत्यम गुप्ता जी का बिजनेस पाठशाला में एक्सपर्ट के तौर पर हम स्वागत करते हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सीए सत्यम गुप्ता और आज मैं आप सभी को बताऊंगा कॉस्टिंग प्राइसिंग और प्रॉफिट असेसमेंट के बारे में दोस्तों आप सभी ने देखा होगा कि जब भी हम लोग कोई अपना प्रोडक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि वो प्रोडक्ट को हम मार्केट में किस प्राइस पे बेचें मीन्स क्या होता है कि हो सकता है कि जो आप प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो वो एग्जिस्टिंग मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हो तो अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल होता है तो यहां पे तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाता है एक रफली कि वो प्रोडक्ट सपोज अगर मार्केट में सौ का बिक रहा है तो हम अगर नए वेंडर हैं हम नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं तो हो सकता है उसी की कॉम्पिटिशन में हम नब्बे या पंचानवे रुपए में अपना प्रोडक्ट टारगेट कर दे बट दिक्कत तब ये आती है जब हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे होते हैं जो कि हमारा इन्वेंशन है या हम कुछ एडवांस प्रोडक्ट लेके आते हैं तो उसकी प्राइसिंग कितनी रखे मींस कितने प्रॉफिट मार्जिन के साथ उसको मार्केट में उतारे जिससे उसकी डिमांड भी बनी रहे और हमारे पास भी एक अच्छा रेवेन्यू आ जाए तो जो हमारा आज का कॉन्सेप्ट है वो इसी पे बात करेगा कि प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कैसे डिसाइड होती है कॉस्टिंग में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है प्लस हम कितने परसेंट प्रॉफिट के मार्जिन के साथ अपना प्रोडक्ट को बेच सकते हैं तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा नेचर ऑफ कॉस्ट के बारे में कि जब भी आपको कॉस्टिंग निकालनी है किसी भी प्रोडक्ट की या अपने बनाए हुए प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकाल रहे हैं तो उसमें किन किन तरीकों की कॉस्ट लगती है और आपको किन किन कॉस्टों का ध्यान में रखने के बाद ही उसका टोटल प्राइस डिसाइड करना चाहिए दोस्तों देखिए सबसे पहले इसमें होता है फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स कॉस्ट जैसे आप सभी जान रहे होंगे नाम से भी क्लियर है वो सारी कॉस्ट वो सारे खर्चे जो कि अगर हमने अपनी फैक्ट्री लगा दी है तो हमको पर डे बेसिस पे इनकार करने ही करने हैं चाहे हम अपना कोई एक प्रोडक्ट बेचें चाहे ना बेचें तो अगर थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसमें वो सारे खर्चे आते हैं जिनका डायरेक्ट रिलेशन हमारे प्रोडक्ट से नहीं होता मीन्स क्या हो सकता है कि वो कितना हम सामान बनाते हैं उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करता सपोज अगर हम लेबर की बात करते हैं रॉ मटीरियल की बात करेंगे तो वो खाली प्रोडक्ट ऐसे हैं कि अगर हम 100 यूनिट बनाएंगे तो 100 यूनिट का मेरे पास लेबर लगेगा 100 यूनिट का रॉ मटीरियल लगेगा अगर हम 200 बनाते हैं तो 200 का लगेगा बट जो फिक्स्ड खर्चे होते हैं वो उस तरीके के खर्चे होते हैं कि वो खर्चे आपके लगेंगे ही चाहे आप अपना एक प्रोडक्ट बनाइए दो बनाइए दस बनाइए या हजार बनाइए मतलब एक सर्टन लेवल ऑफ ऑपरेशन तक ये जो खर्चे हैं ये हमारे फिक्स रहते हैं इसमें क्या क्या आ सकता है देखिए फिक्स में देखिए जैसे आपकी रेंटल हो गई अगर आपकी फैक्ट्री रेंट पे है तो रेंट का जो खर्चा है वो आपका फिक्स नेचर का हो गया आपने फैक्ट्री रेंट पे ले ली अब चाहे उसके आप हजार प्रोडक्ट बनाइए दो हजार दस हजार जो बनाइए फैक्ट्री का जो रेंट है वो सेम रहेगा इसी तरीके से अगर आपने वॉचमैन रखा हुआ है अपनी फैक्ट्री के बाहर तो उस वॉचमैन की जो सैलरी है वो भी फिक्स रहेगी वो डिपेंड नहीं होती है कि कौन से खर्चे हम कर रहे हैं कितना सामान बना रहे हैं उसकी खर्चों पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो फिक्स्ड में उन तरीके के सारे खर्चे आ गए जिन खर्चों का हमको टोटल आउटपे करना ही करना है प्रोडक्ट से डिफाइन नहीं होता है कि हमने कितना बनाया या कितना बेचा आगे चलेंगे और हम लोग बात करेंगे वेरिएबल कॉस्ट की दोस्तों वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो इस तरीके की होती है कि ये हमारे डायरेक्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है मीन्स क्या हो सकता है कि जितना आपने प्रोडक्ट बनाया उसके हिसाब से आपको जो जो खर्चे करने पड़ेंगे वो सारे हो गए हमारे वेरिएबल कॉस्टिंग के अब वेरिएबल कॉस्ट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है हमारा रॉ मटेरियल कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसमें लगने वाला जो रॉ मटेरियल है वो हम उतना ही मंगाएंगे या उस पर हम उतना ही खर्चा करेंगे जितना हमको अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाना होगा तो इसमें क्या हो गया वेरिएबल कॉस्ट में वो सारे खर्चे हम काउंट कर सकते हैं जो खर्चे हमारे प्रोडक्ट से रिलेशन में है सबसे फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट ये हो गया कि उसमें लगने वाली लेबर जो कि हमारे प्रोडक्ट को बना रही है वो भी वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट होता है इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग रॉ मटेरियल लिख सकते हैं कि जो हमारा रॉ मटेरियल है वो यहां चला जाएगा रॉ मटेरियल के बाद जो हमारी डायरेक्ट लेबर होती है जो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने में आती है वो भी इसमें आ गई तो हमारा रॉ मटेरियल और लेबर यहाँ पे दोनों इंक्लूड हो गए इसके बाद इसमें और कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं इसमें वो खर्चे हो सकते हैं जो डायरेक्ट रिलेशन में कैसे आते हैं अगर हम फैक्ट्री बनाते हैं कोई सामान बना रहे हैं उसमें हमारी मशीनरी चलनी है तो मशीनरी चलने के लिए जो हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो हमारे हो गए डायरेक्ट खर्चे अगर जो टोटल ओवरऑल फैक्ट्री हमारी चल रही है उस फैक्ट्री की लाइटिंग के लिए हम लोग देखें ऑफिस में अगर कोई लाइट जल रही है वो सब हमारे हो गए इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे तो वेरिएबल में डायरेक्ट खर्चों में कौन से आएंगे अगर हम फैक्ट्री चलाते हैं उसमें कोई मशीनरी से हमारा प्रोडक्शन होता है तो उस मशीनरी में जो लाइट लगती है चलने के लिए वो भी हमारे इसी खर्चे का पार्ट होगी चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करेंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट के बारे में सेमी वेरिएबल कॉस्ट दोस्तों जैसे ये नाम से ही क्लियर होता है कि इसमें कुछ पार्ट तो जो हमारा है वो फिक्स का रहेगा कुछ जो पार्ट है वो हमारा इसमें वेरिएबल से रहता है तो फिक्स्ड और वेरिएबल को मिला के जो कॉस्ट बनती है उसको हम लोग कहते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट इसका एग्जाम्पल अगर आप समझना चाहें तो ये वो सारी कॉस्टिंग होती है जहां पे क्या होता है कि एक सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट तक तो वो कॉस्ट हमारी सेम रहती है उसके बाद जब हम उसको आगे बढ़ाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि पर डे बेसिस पे या पर आउटपुट बेसिस पे वो कॉस्ट हमारी बढ़ने लगती है इसको हम लोग बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे अगर एक बात समझिए तो इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि कोई ऐसी मटीरियल की कॉस्ट जो कि लगनी ही लगनी है चाहे हम एक यूनिट बनाए या एक हजार लगाए तो वो वहां तक की जो कॉस्ट है वो हमारी फिक्स नेचर की हो गई सपोज अगर हमको 800 यूनिट बनाना है तो भी उतनी कॉस्ट इनकर करनी है 100 यूनिट बनाएंगे तब भी उतनी ही कॉस्ट लगेगी बट अगर, अगर अपना प्रोडक्शन हम 1000 से ऊपर लेके जाते हैं तो वहां पे ये कॉस्टिंग में कुछ इंक्रीमेंट आने लगता है मीन्स तो ये कॉस्टिंग थोड़ी बढ़ने लगती है तो इसी तरीके की जितनी भी कॉस्ट होती है इनको हम लोग कहते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है जब हम प्रोडक्शन करना स्टार्ट करते हैं तो हमारी फिक्स नेचर की रहती है सेम रहती है बट जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है इनका नेचर जो होता है वो वेरिएबल होने लगता है इसी तरीके से ये हमारी हो जाती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट अभी तक मैंने आपको जो जो बताया वो तीन तरीके की नेचर ऑफ कॉस्टिंग में थी सबसे पहले इसमें आता है फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट देखिए अगर आप अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं तो जरूरी यह भी है कि आप सबसे पहले इसमें से डिसाइड करिए कि आपकी कौन सी कॉस्ट किस कैटेगरी की आती है क्योंकि आपको ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि अगर आपने कॉस्टिंग का नेचर सही से नहीं पहचाना और अपने प्रोडक्ट की कॉस्टिंग डिसाइड कर दी तो हो सकता है क्या मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद आपका महंगे रेट पे आ जाए उसकी डिमांड उतनी ना हो क्योंकि क्या हुआ सपोज फिक्स्ड कॉस्ट लगती थी एक लाख यूनिट पे और स्टार्टिंग में अगर आप एक लाख यूनिट पे आपकी फिक्स्ड कॉस्ट लगनी थी और आपने पहले शुरुआत के हजार प्रोडक्ट बनाए और यहां पे फिक्स्ड कॉस्ट सपोज अगर किसी भी प्रोडक्ट की सपोज टू सी आर की फिक्स्ड कॉस्ट थी वो आपने लगा दिया तो अगर आप चाहेंगे कि मेरे शुरुआत में बनने वाले एक हजार में ही हम इसका मेजर पोर्शन रिकवर कर लें तो उससे हो क्या सकता है कि जो स्टार्टिंग के हजार प्रोडक्ट आपके होंगे वो महंगे रेट पे जाएंगे मतलब आप चाह रहे हैं अगर कि इससे रिलेशन बनाना चाहेंगे कि इन हजार प्रोडक्ट से अपनी हम ये कॉस्ट रिकवर कर ले तो ये बिल्कुल गलत है और आप ऐसा करेंगे तो आपका प्रोडक्ट हो जाएगा महंगा और मार्केट में नहीं बिकेगा तो आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो टोटल कॉस्टिंग आपकी आ रही है इस कॉस्टिंग को आपको रिकवर करना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितने टाइम में आपकी टोटल कैपेसिटी यूटिलाइज हो रही है वेरिएबल कॉस्ट में आप ये कर सकते हैं कि अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट सौ लग रही है और आप चाहते हैं बीस परसेंट मार्जिन कमाना तो वेरिएबल प्लस ट्वेंटी परसेंट कर लीजिए अगर आपने वेरिएबल प्लस ट्वेंटी परसेंट कर लिया तो ये बिल्कुल सही तरीका है मीन्स वेरिएबल में अपना ट्वेंटी परसेंट रिकवर करिए इस ट्वेंटी परसेंट मार्जिन का जो प्रॉफिट आप ले रहे हैं यहां से कोशिश करिए कि थोड़ी थोड़ी फिक्स कॉस्ट हमारी रिकवर होती रहे मीन्स हमारा नेट रेवेन्यू जो है वो पॉजिटिव में आ जाए हमारा पॉजिटिव में आ जाए और अपना हम बीपी जो होता है ब्रेक इवन पॉइंट उसको पार कर दे और हम प्रॉफिट की तरफ आगे बढ़े तो आप तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग करते समय आगे चलेंगे और हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट डायरेक्ट कॉस्ट कौ। कौन कौन सी होती है देखिए डायरेक्ट कॉस्ट में क्या इंक्लूड होती है मैंने आपको बताया था अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को बनने में जो कॉस्ट लगी हुई है डायरेक्टली वो सब हमारी डायरेक्ट कॉस्ट हो गई देखिए यहां बताया गया है डायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूड दोस्ट विच कैन बी इजिली आइडेंटिफेबल विद प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस अगर इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं सपोज अगर हमको ये पेन बनाना हुआ है तो इस पेन के लिए डायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी इसके लिए जो हम ये प्लास्टिक लेके आए हैं ये इसकी डायरेक्ट कॉस्ट हो गई इसको बनाने में जो लेबर लगी होगी वो डायरेक्ट कॉस्ट हो गई इसकी सेलिंग के जो एक्सपेंसेस होंगे डायरेक्टली इस पेन के वो हो गए हमारे डायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंसेस तो इस तरीके के जो भी खर्चे होते हैं जिनको हम इजिली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो मेरे इस प्रोडक्ट का आउटपुट का पार्ट बने वो सारे ही खर्चे हमारे हो जाते हैं डायरेक्ट नेचर के वही चीज यहां बताई गई है कि देखिए डायरेक्ट खर्चे कौन से हो जाते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड अदर डायरेक्ट कॉस्स तो मटेरियल तो आप सभी को पता है मटीरियल कॉस्ट बहुत सारी कॉस्टी हो जाएंगी जो सारी आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड है वो प्रोडक्ट में आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं मैं जितना भी रॉ मटीरियल होगा जितना भी रॉ मटेरियल आपका आता है वो सब इसी कैटेगरी का हो जाएगा उसके बाद जब हम लोग बात करेंगे लेबर के ऊपर तो वो लेबर जो डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट को बनाने में काम आई थी आप उसी लेबर को लेंगे यहाँ पे कोई ऐसी लेबर नहीं लेंगे जो कि सुपरवाइजरी नेचर की है मीन्स अगर वो मैनेजल लेवल है आपकी कंपनी का मैनेजर है वो कोई और काम देखता है तो उसकी सैलरी आपकी डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होगी वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में जाएगा अगर कोई फैक्ट्री का सुपरवाइजर है और फैक्ट्री का कोई वॉचमैन है तो उसकी सैलरी भी डायरेक्ट नेचर की नहीं है उसका डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है तो ऐसे कोई भी खर्चे होंगे वो आप डायरेक्ट नेचर में लेके नहीं जाएंगे आपको डायरेक्ट में वही खर्चे लेने हैं जो डायरेक्ट आपके प्रोडक्ट बनाने में काम आते हैं और एड डायरेक्ट कॉस्ट में जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि वो सारे खर्चे आते हैं जो कि आप प्रोडक्ट बनाने में काम आते हैं आपके जैसे क्या हो गया अगर आपकी प्रोडक्ट मशीनरी से बनता है तो मशीन इलेक्ट्रिसिटी से जो चल रही है वो हो गया प्लस अगर आपका कंपनी में फ्रेट लगता है मीन प्रोडक्ट बनने के लिए आप कुछ सामान मंगाते हैं अपने पास उस पर आप किराया देते हैं तो जो आपने किराया दिया हुआ है वो भी आपका डायरेक्ट नेचर का हो गया क्यों डायरेक्ट नेचर का हुआ एक बात फिर से समझिएगा कि जो मस, जो सामान आपको लाना था जिससे आपको रॉ मटेरियल की तरह यूज करके प्रोडक्शन करना था तो वो सामान आपकी फैक्ट्री में तभी पहुंचेगा जब आपको किराया देंगे तो ऐसा कोई पैसा जो आपने डायरेक्ट रिलेशन में खर्चा किया हो रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करने में वो खर्चा भी आपका डायरेक्ट नेचर का खर्चा हो जाता है प्लस ये सारे ही खर्चे जो होते हैं इनको जब तो हम टोटल करते हैं ऐड करते हैं तो हमारी बनती है डायरेक्ट कॉस्ट तो डायरेक्ट कॉस्ट आपको एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं वो सारे खर्चे जो मटेरियल से रिलेटेड होते हैं लेबर से रिलेटेड होते हैं और अदर नेचर के होते हैं बट अदर नेचर होने के साथ साथ वो सारे ही जो खर्चे हैं उनको हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाए कि जितना प्रोडक्शन हमारा हुआ था उस रिलेशन में उस खर्चे का प्रपोर्शन कितना है वही बात यहाँ ऊपर भी लिखी हुई थी डायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूड दोस्ट वो सारी चीजें जो उत्पाद या कार्य के उत्पादन को शामिल करता है वो सारी जो लागत हमारी होती है उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट आपको जो डायरेक्ट कॉस्ट होना होता है वो किस तरीके से होता है डायरेक्ट कॉस्ट आपको ये डिसाइड करना है कि जो खर्चे आपने किए हुए हैं और खर्चे करने के बाद अगर आपका प्रोडक्ट आइडेंटिफिएबल है कि आपने कौन कौन से खर्चे किए थे तो वो सारे खर्चे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे आगे चलते हैं अब हम लोग बात करेंगे दूसरे नेचर ऑफ कॉस्ट की इसमें इनडायरेक्ट नेचर की कॉस्ट आती है अब इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है उसकी अगर हम लोग बात करते हैं एक बार तो इनडायरेक्ट कॉस्ट वो सारी कॉस्ट होती है जो कि हमारे प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्टली काम नहीं आती बट वो कॉस्ट हमारे लिए जरूरी इसलिए भी है क्योंकि उससे हमारे अदर एक्सपेंसेस चलते हैं जो अदर मेरे ऑपरेशन होते हैं वो चलते हैं तो यहां पे आपको ध्यान ये रखना है कि जो अदर कॉस्टिंग होती है वो किस किस नेचर की होती है चलिए बात करते हैं इस बारे में अब देखिए सबसे पहले है इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी लिखी है जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है जो कि हमारा मशीन चलाने के लिए काम आ रही है क्योंकि तो वो तो पावर में आ जाती है और वो हमारी डायरेक्ट नेचर की होती है ये नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी वो है जिससे आपका पूरा ऑफिस चलता है जिससे आपका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलता है ये हो रही है नॉर्मल बिजली की बात तो जो नॉर्मल बिजली और पानी आपके ऑफिस का होता है वो डायरेक्ट नेचर का नहीं है और वो डायरेक्ट नेचर का उस फैक्ट्री के लिए भी नहीं है जहां पे पानी का कोई यूज नहीं है अगर आप पानी भी अपने आप उसमें यूज करते हैं मीन एक तरीके का पानी का भी यूज होता है आपके प्रोडक्शन में अगर आप लोहे के कोई सामान बना रहे हैं जहां पे आपको हैवी यूज होता है पानी का या आपकी कोई ऐसी मिल है शुगर मिल है जहां पे आपको पानी की आवश्यकता होती है शुगर को साफ करने के लिए तो वो जो पानी भी आप खर्च करेंगे वो आपका हो जाएगा डायरेक्ट नेचर का बट यहाँ जो बात करी गई है इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल्स की वो सारे वो नॉर्मल पानी के और बिजली के बिल है जो आप ऑफिस में करते हैं अपने ऑफिस के लिए यूज करते हैं वो सारे आपके इनडायरेक्ट नेचर के हो गए आगे चलेंगे देखिए यहां बोला गया है फ्यूल चार्जेस अपने ऑफिस के जितने भी स्टाफ को अगर आप पैसा देते हैं गाड़ी चलाने के लिए पैसा देते हैं पेट्रोल का पैसा देते हैं किसी भी तरीके के कन्वेंस का तो वो सारे आ जाते हैं फ्यूल चार्जेस के तहत ये फ्यूल चार्जेस भी आपके डायरेक्ट नेचर के खर्चे नहीं होते मीन्स आपके प्रोडक्ट बनाने में इन खर्चों का कोई भी योगदान नहीं है बट प्रोडक्ट बनाने के लिए जो आपने स्टाफ रखा है उनकी वेलबींग उनकी मेंटेनेंस प्लस अपने ऑपरेशन के मेंटेनेंस के लिए आपको ये खर्चे बहुत आवश्यक होते हैं तो ये जो खर्चे हमारे होते हैं फ्यूल वाले ये भी नेचर के हैं उसके बाद आता है हमारा स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग दोस्तों देखिए स्टेशनरी और प्रिंटिंग ये तो अगर आपने ऑफिस बनाया हुआ है आपने टीम बैठा ली हुई है सौ पचास लोगों की तो आपको स्टेशनरी पे तो खर्चा करना पड़ेगा क्योंकि कोई अगर आदमी आएगा और बैठेगा काम करेगा तो पेन पेपर तो खर्चा लगेगा ही अब स्टेशनरी और प्रिंटिंग की बात देखें तो बहुत सारे ऑफिस में आपने देखा होगा कि अभी भी कागज जो होते हैं वो कागज फॉर्म में आपके पास परचेज ऑर्डर सेल्स ऑर्डर ये सब आता है आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन रेडी करने होते हैं तो आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो खर्चा आप कर रहे हैं प्रिंटिंग पे और अपनी स्टेशनरी पे वो भी आपका इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा है जब आप अपना प्रॉफिट और लॉस बनाएंगे उसका असेसमेंट करेंगे तो ट्रेडिंग में उसको ना ले जाके आपको उसको प्रॉफिट लॉस में लेके आना है आगे चलते हैं थर्ड तरीके की बात करेंगे लीगल चार्जेस की दोस्तों लीगल चार्जेस जो कानूनी आरोप होते हैं उनको बियर करने के लिए अगर लीगल चार्जेस अपनी आपने कंपनी में किसी भी तरीके का आपने प्रोडक्ट बनाया कोई भी डिस्प्यूट होता है किसी से भी एबीसी किसी का भी डिस्प्यूट हो सकता है आपके प्रोडक्ट का डिस्प्यूट हो सकता है आपकी इंटरनल यूनियन का डिस्प्यूट हो सकता है अगर किसी ऐसे डिस्प्यूट को रेजोल्यूशन करने के लिए आपने कोई वकील हायर किया या बाहर से किसी भी लीगल टीम की मदद ली तो वो जो लीगल मदद आप लेते हैं उस पर आपका किया हुआ सारा खर्चा किस हेड में आएगा वो आएगा आपका इनडायरेक्ट हेड में तो आपको ध्यान रखना है कि लीगली आपने जो भी खर्चे किए हैं जो भी पैसा आपने गवाया है या खर्च किया है किसी भी लीगल कोई मैटर को रिजोल्व करने के लिए तो वो सारे ही खर्चे आपके इनडायरेक्ट नेचर के होंगे उनको भी आप ट्रेडिंग में ना ले जाके आप लेके आएंगे पीएल में आगे देखिए यहां बताया हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन्स अब दोस्तों ये मुद्दा इस तरीके का है कि आपको यहां पे ध्यान रखना है कि जो लोन आपने लिया है वो लोन तो आप लेते हैं आप कहेंगे कि हमने ना बिजनेस की मशीनरी परचेज करने के लिए लोन लिया मेरी मशीनरी एक करोड़ रुपए की थी और वो मशीन हमने जो ली है वो मेरे पास दस या ग्यारह परसेंट के इंटरेस्ट पे हमने उसके लिए अगेंस्ट में लोन लिया तो आप हमने एक करोड़ की मशीनरी के लिए अगर दस परसेंट पे इंटरेस्ट पे लोन लिया तो हमारा दस लाख रुपए साल का जाता है ब्याज तो वहां पर क्या होता है कि अगर आपने जो लोन लिया है उसका दस जो ब्याज आप दे रहे हैं क्या उस ब्याज को आप ये मानेंगे कि वो ब्याज हमारी डायरेक्ट कॉस्ट थी दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि साफ साफ बताया गया है कि कोई भी आप पैसा जो उधार लेते हैं उस पर दिया हुआ इंटरेस्ट जो है वो आपका ऑपरेशन कॉस्ट में ही आएगा मीन्स वो ये नहीं माना जाएगा कि आपने प्रोडक्शन में उस पैसे को लगाया क्योंकि आपके पास पैसे की अवेलेबिलिटी नहीं थी इसलिए आपने लोन लिया अगर पैसे की अवेलेबिलिटी होती आप डायरेक्ट मटेरियल मंगा लेते तो उससे आपका काम चल जाता तो यहां पे आपने ये सेकंड तरीके का एक सेटलमेंट बनाया है जहां पे आपने पैसे का अरेंजमेंट किया है तो उस पैसे पे दिया हुआ कोई भी लोन आपका डायरेक्ट खर्चा नहीं माना जाएगा आप उसको ट्रेडिंग में लेके नहीं जा सकते ये खर्चा भी आपको प्रॉफिट और लॉस में ही बुक करना पड़ेगा और इस प्रॉफिट और लॉस को बुक करने के साथ साथ जो लास्ट में आपका प्रॉफिट बचेगा वही टोटल प्रॉफिट है तो आपको डिसाइड करना है कि जो मैंने आपको खर्चे यहां बताए हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल स्टेशनरी लीगल और इंटरेस्ट के ये सारे ही खर्चे जितने हैं वो सारे खर्चे आपके कहां जाएंगे वो सारे खर्चे आपके जाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आगे बढ़ते हैं अब हम लोग बात करेंगे प्राइसिंग के बारे में दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा प्राइसिंग जो होती है यही डिसाइड करती है किसी प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई आपने मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया अब वो प्रोडक्ट सक्सेस है कि नहीं सक्सेस है आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूं अभी आपने देखा होगा कि मार्केट में बहुत सारी कार्स आती है जिसमें टाटा की नेक्सॉन भी आई तो नेक्सॉन अगर मार्केट में सक्सेस हो रही है अपनी कैटेगरी में तो वो इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने एसयूवी मार्केट में या यूं कहें कि मिनी एसयूवी मार्केट इनकी एक होती है वहां पे ये प्रोडक्ट को लेके आए और इन्होंने जो प्राइसिंग रखी वो इतनी कॉम्पिटेटिव रख दी कि जो करंट एज में हमारे पास जो अदर कॉम्पैक्ट का चल रही थी जिनको हम लोग हैड भी कहते हैं तो उस हैचबैग की कैटेगरी में इन्होंने इसको प्लेस कर दिया लाके और इसकी प्राइसिंग जो स्टार्टिंग रेंज रख दी अगर सपोज वो आठ से दस लाख में आपको ये गाड़ी मिल रही है तो आप ये मिनी जो होती है इनको ना बाय करके मिनी एसिव्यू ही बाय कर सकते हैं तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है जहां पे कंपनीज आती हैं और अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से मार्केट में प्लेस करती हैं कि वहां पे प्राइसिंग जो कंपटीशन है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है उनको प्राइसिंग से कुछ भी नहीं लेना देना तो वहां पर प्रोडक्ट आपका ज्यादा सक्सीड हो सकता है तो ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये यह है कि जब भी आप प्राइसिंग करें तो उसको ध्यान रखें कि प्रोडक्ट में एग्जिस्टिंग कस्टमर्स कौन कौन से हैं कंपटीशन आपका कितना है प्लस वो कस्टमर जो बाय कर रहा है प्रोडक्ट वो किस प्राइस पे बाय कर रहा है उसकी डिमांड कितनी है वो प्राइस के बढ़ने या घटने से उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा एक बात और इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बहुत यह भी है कि आपको कभी भी अपना प्राइसिंग इतना भी लो नहीं रखना कि कस्टमर को लगे कि इनके प्रोडक्ट में ही कोई फॉल्ट है क्योंकि देखिए हर चीज की एक अपनी कॉस्टिंग होती है कस्टमर भी आज का जो है उसको ये सारी बातों की आइडिया है कि वो कॉस्टिंग अगर लेने जा रहा है सपोज अगर वो गाड़ी बाय करने जा रहा है तो उसको पता है कि बेसिक खर्चा तो आएगा ही आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा टाटा नैनो का उन्होंने क्या किया था उन्होंने एक लाख रुपए में गाड़ी लॉन्च करी हालांकि उसकी कॉस्टिंग थोड़ी ज्यादा ही थी दोढाई लाख रुपए तक वो आ रही थी बट क्या हुआ उसकी प्राइसिंग उन्होंने उस तरीके से कर दी एक लाख रुपए की आज की डेट में आप देखेंगे तो आपको एक नॉर्मल सी टू व्हीलर जिसको आप स्कूटी बोलेंगे वो भी लगभग एक से सवा लाख रुपए की आती है तो अभी क्या हो गया लोगों के मन में यह धारणा बनी हुई थी कि एक डेढ़ लाख रुपए में तो स्कूटी बन के आती है अगर ये हमको एक डेढ़ लाख रुपए में कार दे भी रहे हैं तो ये कार कितनी सेफ है मींस क्या हमारी लाइफ उसमें बैठने से सेफ रहती है क्या उसके साथ कोई एसोसिएटेड रिस्क भी है तो आपको ये डिसाइड करना है कि प्राइसिंग आपको इतनी लो भी नहीं रखनी कि कस्टमर के मन में एक डर बन जाए आपको प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से पहले कि क्या इनकी प्राइसिंग इतनी लो है तो क्या इनके प्रोडक्ट में कोई झोलमाल है तो इसीलिए आपको ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे यह है कि प्राइसिंग आपको डिसाइड कैसे करें यहां जैसे बताया गया है मेथड एडॉप्टेड बाई अ फर्म टू सेट सेलिंग प्राइस अब जो प्राइसिंग होती है ये मेथड मेथड के बारे में बात करती है कि हम अपने प्रोडक्ट का किस तरीके से प्राइस सेट करें यहां बोला गया इट यूजुअली डिपेंड्स ऑन फर्म्स एवरेज कॉस्ट एंड ऑन कस्टमर्स कस्टमर्सिड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इन कंपैरिजन टू हिज परीड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट पहले हम लोग इतनी लाइन में बात करेंगे कि यहाँ पे क्या बताया गया है आप ध्यान से समझिएगा यहाँ देखिए बोला गया है कि प्राइसिंग वो होती है कि जो हम डिसाइड करते हैं फर्म्स एवरेज कॉस्ट एवरेज कॉस्ट जो हो गया वो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया मीन्स आपने जो प्रोडक्ट बनाया है पहले तो आप ये डिसाइड करिए कि आपकी प्रोडक्ट बनाने में एवरेज कॉस्ट कितनी आई थी क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपकी कॉस्ट तो रिकवर होनी चाहिए अगर कॉस्ट ही रिकवर नहीं होगी तो आपको प्रोडक्ट लॉस में बेचेंगे इसलिए आपको सबसे पहले कॉस्ट पता होनी चाहिए ये हो गई हमारी एवरेज कॉस्ट आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे एंड ऑन कस्टमर्स परसीव वैल्यू ऑफ दी प्रोडक्ट अभी क्या बोला गया है ग्राहकों का मूल अनुभव ये जो बोल रहे हैं ना मूल अनुभव की बात वो मूल अनुभव ये होता है कि कस्टमर क्या चाहता है उसको दस रुपए का बिस्किट महंगा लग रहा है या उसके लिए बीस रुपए का बिस्किट है तो आप टारगेट करेंगे कि किस कस्टमर को आप टारगेट कर रहे हैं अगर आप किसी हाई सोसाइटी में टारगेट करेंगे तो आपने देखा होगा कि आज के डेट पर हमारे कोई सेलिब्रिटीज है जो कि 100 सौ दो दो सौ रुपए लीटर का पानी भी पी लेते हैं बट नॉर्मल कस्टमर जो हमारा है वो आज भी बीस रुपए लीटर का पानी पी रहा है तो आपको डिसाइड करना है कि जो प्रोडक्ट आपने मार्केट में लॉन्च किया है वो किस सेगमेंट के लिए है और वहां पे कस्टमर का दिमाग किस तरीके से काम करता है क्या वो हमारा दो सौ रुपए सौ रुपए लीटर वाला पानी पिएगा तो आप देखेंगे कि कस्टमर रेंज इसमें बहुत शॉर्ट हो जाती है मीन्स अगर आप हजार कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं तो हो सकता है कि तीन ही चार कस्टमर ऐसे हों जो कि सौ दो सौ रुपये लीटर का पानी पी पाए बट अगर उसकी कॉस्टिंग हम ले आते हैं पंद्रह बीस रुपए के ऊपर तो हम ज्यादा बड़ी एक कस्टमर रेंज को टारगेट कर सकते हैं इसीलिए बोला गया है कस्टमर किस तरीके से देखता है आपके प्रोडक्ट को डिफरेंट प्राइसिंग मेथड्स एज वेरी डिपेंड ऑन डिग्री ऑफ ऑन सेलेक्टिंग एस्टिमेशन एंड ऑफ कॉस्ट एनालिसिस मार्केट सिचुएशन ये कुछ कंडीशन अच्छी बताई गई है जिनको आप ध्यान में रख के प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड कर सकते हैं इसमें क्या क्या होता है इसमें होता है ऑफ कॉस्ट कॉस्ट आपकी कितनी लगी हुई है उसके बाद एक कम्पेरेटिव एनालिसिस अब कंपेरेटिव एनालिसिस करते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है और मार्केट में जो आपका कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट अवेलेबल है उसमें क्या डिफरेंसिस है मतलब आपका प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिशन प्रोडक्ट से किस तरीके से अवेलेबल है मीन किस तरीके से बेटर है अगर आप चाहते हैं कि हमारा एक प्रोडक्ट है और बी प्रोडक्ट मार्केट में है और ये प्रोडक्ट इससे बेटर है तो आपको डिसाइड करना है पहले कितना बेटर है अगर ये प्रोडक्ट इसके कंपैरिजन में 10 परसेंट ऊपर है तो किसकी प्राइसिंग कितने ऊपर है सपोज ये प्रोडक्ट हमको दस का मिल रहा है और इसकी यूटिलिटी दस परसेंट ऊपर है तो अगर ये ग्यारह रुपए तक है तो तो हम इसको ले लेंगे बट इससे इसकी बेटर यूटिलाइजेशन सिर्फ दस ही परसेंट का है और ये प्रोडक्ट दस रुपए का था और दूसरा वाला पंद्रह का बिक रहा है Means इसकी प्राइसिंग जो है फिफ्टी परसेंट है तो हो सकता है कस्टमर कन्विंस ना हो और वो हमारे पास ना आए तो इसलिए आपको डिसाइड ये भी करना है कि कंपेरेटिव एनालिसिस करना है और प्लस मार्केट सिचुएशन भी देखनी है मार्केट सिचुएशन ये देखनी होती है कि सिचुएशन पूरी ओवरऑल इकोनॉमी की कैसी चल रही है अगर आप देखेंगे कि हमारे पड़ोसी मुल्क में या अलग अलग देशों में जहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस आई हुई है तो वहां पे क्या है लग्जरी आइटम तो बिकेंगे ही नहीं वहां पे क्या होता है वहां पे अभी जरूरत है हमको बेसिक सामान बेचने की ही तो बेसिक सामान जब पूरा होगा तभी आप लग्जरी की तरफ जा सकते हैं तो अगर ऐसी सिचुएशन कभी मार्केट में है तो आपको डिसाइड करना है कि जो सबसे पहले नेसेसिटी के आइटम है या जो लोअर रेंज के प्रोडक्ट है उनको आप दीजिए क्योंकि आपके पास ऑडियंस ऐसी कस्टमर टारगेट नहीं है जो कि आपको बाय कर पाएगी चलिए आगे चलते हैं और हम लोग बात करेंगे इसी प्राइसिंग के ऊपर प्राइसिंग की स्ट्रेटेजी हमारी कौन कौन सी होती है अगर किसी भी कस्टमर को प्रोडक्ट बेचना है तो उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी हम कैसे रखें सबसे इंपॉर्टेंट देखिए हम बताई हुई है प्रीमियम प्राइसिंग पेनिट्रेशन प्राइसिंग इकोनॉमी प्राइसिंग एंड स्कीमिंग स्ट्रैटेजी अभी इन सबको एक एक करके हम समझेंगे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रीमियम प्राइसिंग जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था सौ रुपए लीटर वाले पानी का तो वो जो सौ रुपए लीटर वाला पानी है ना वो प्रीमियम प्राइसिंग की कैटेगरी में ही आता है Means, क्या होता है यहाँ पे कस्टमर को टारगेट किया जाता है कि हजार का कस्टमर रेंज है बट हमको हजार कस्टमर नहीं चाहिए हमको वो दो तीन चार कस्टमर ही चाहिए जो कि हमको प्रीमियम प्राइस दे पाए उसमें कस्टमर का हो सकता है कि ज्यादा लॉस ना भी हो बट वहां पर उनको एक सेंस ऑफ बिलीफ आता है कि हमने महंगा प्रोडक्ट बाय किया है हमने अच्छा प्रोडक्ट बाय किया है तो यहाँ पे क्या होता है कस्टमर जो कंपनी होती है वो मोटा मुनाफा कमाती है उसको भी बनाने में उनको कॉस्टिंग हार्डली तीस चालीस रुपए की ही आती है बट वो प्रीमियम सेगमेंट में होने के कारण क्या कर सकते हैं हो सकता है कि वो अपना बीस रुपए का जो प्रोडक्ट है उसको दो सौ रुपए में बेच पाए तो अगर वो अपना दो सौ रुपए में बेच पाते हैं तो वो हैवी मार्जिन कमाते हैं बट यहां पे क्या होता है कि उनके पास कस्टमर रेंज जो होती है वो कम हो जाती है कुछ लिमिटेड कस्टमर ही बाय करते हैं दूसरा हमारे पास होता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग uh, दोस्तों ये प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जैसे आपको नाम से ही क्लियर होगा ये बनाई इसलिए जाती है कि हम किसी भी एग्जिस्टिंग मार्केट में पेनेट्रेट कर पाए मतलब क्या हो सकता है कि उसके हम बहुत डिटेल में जा पाए बहुत ही गहरे स्तर तक जा पाए अब इसमें क्या होता है सपोज अगर आप चाहते हैं कि हमारा एक बिस्किट का पैकेट है या हमारा एक सोप लॉन्च हो रहा है तो हम ये नहीं चाहते कि वो सोप हमारा जो टॉप टायर सिटीज है वहीं पे बिके दिल्ली मुंबई कोलकाता में बिके हम चाहते हैं कि वो रूरल यूपी बिहार के गांव तक बिके तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको अपना सोप चाह के भी दो चार पांच रुपए की रेंज में लाना ही पड़ेगा क्योंकि अगर हमारे साबुन की कीमत सौ रुपए है तो हमने क्या किया हमने 50 परसेंट मार्केट ऐसे तो ही वाइप आउट कर दी क्योंकि सौ रुपए से साबुन कोई नहीं लगाएगा तो क्या हुआ जो बहुत ही महंगे लोग होंगे या जो बहुत एक्सपेंसिव बाय करते होंगे वो लगा सकते हैं बट अगर हम चाहते हैं कि हमारा साबुन गांव गांव तक जाए छोटे से छोटे जिले में भी बिके तो हमको क्या करना पड़ेगा उसके लिए लानी पड़ेगी पेनेट्रेशन प्राइसिंग पेनेट्रेशन प्राइसिंग क्या होती है वो ये कहता है कि हम कस्टमर को रीच करना चाहते हैं जितना लो मार्जिन पे हम होगा बेचेंगे जितना लो क्वांटिटी में होगा बेचेंगे मीन्स क्या होगा कि हम साबुन भले छोटा कर दे बट उसकी प्राइसिंग जो होगी वो पांच रुपए से ऊपर की नहीं होगी तो ये हो गई हमारी पेनिट्रेशन प्राइसिंग इसके बाद आती है इकोनॉमी प्राइसिंग इकोनॉमी प्राइसिंग देखिए क्या होता है ये डिसाइड करता है कि एवरेज प्रोडक्ट किस रेट में बिक रहा है और किस रेट में बिक सकता है तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि उसको हम एक एवरेज रेट पे बेच दें तो so, सबसे सही तरीका क्या है कि आप एक मार्केट सर्वे कराइए वहां से पता करिए कि अगर आपका प्रोडक्ट दस में है तो कितने लोग बाय कर रहे हैं पंद्रह पे कितने बाय कर रहे हैं आजकल इस तरीके के सर्वे बहुत इजीली हो जाते हैं तो आप पाएंगे कि अगर आपका प्रोडक्ट 10 से बारह रुपए की रेंज में है ज्यादा कस्टमर बाय कर रहा है तो आप वो बारह रुपए का प्राइस सेट कर पाएंगे आगे देखिए होती है स्कीमिंग स्ट्रेटजी अब स्कीमिंग स्ट्रेटजी जो होती है इसमें क्या किया जाता है कि आप चाहते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो पहले बात तो रीचेबल सबको पहुंच जाए मतलब हर कस्टमर के साथ पहुंचे और पहुंचने के साथ साथ क्या हो अच्छा profit भी हम अच्छा प्रॉफिट कमा पाए तो अगर ऐसी कोई के तहत आप आप काम करना चाहते हैं तो स्किपिंग प्राइस भी अपना सकते हैं ये मैंने जो अभी आपको बताई कुछ अलग अलग तरीके की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी थी आगे चलेंगे और हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट के ऊपर दोस्तों देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो होता है वो प्रॉफिट का ही होता है वो इसलिए होता है क्योंकि आप प्रोडक्ट मार्केट में बनाते ही इसलिए है कि आपको प्रॉफिट हो पाए आपने जब जिस दिन बिजनेस स्टार्ट किया होगा माइंड में ये सोच के किया होगा कि हम इस बिजनेस से पैसा कमाएंगे कोई भी होता है वो बिजनेस इसीलिए करता है कि वो चाहता है कि वो पैसा कमा पाए तो पैसा कमाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट इस तरीके से प्रॉफिटेबल हो इस तरीके से मार्केट में पोजिशन हो कि वो सही क्वांटिटी में बिके सही रेट में बिके और बिकने के साथ साथ वो तो आपको प्रॉफिट भी देके जाए इसीलिए मैंने बताया आपको देखिए यहां लिखा हुआ प्रॉफिट इज अ रेवेन्यू रिमेनिंग आफ्टर ऑल कॉस्ट आर पेड सारे खर्चे देने के बाद जो मैंने आपको बताया थे डायरेक्ट नेचर के खर्चे और इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे जिसमें हमारे हो सकते थे फिक्स नेचर के हो या वेरिएबल हो या सेमी वेरिएबल हो ये सारे ही खर्चे देने के बाद जो हमारा पैसा बचता है उसको हम लोग कहते हैं प्रॉफिट दिस कॉस्ट इंक्लूड लेबर मटीरियल इंटरेस्ट इन डेप्ट एंड टैक्सेज ये जो लेबर मटीरियल इंटरेस्ट डेप्ट और टैक्सेज होती है ये ये भी सारे टैक्सेशन का पेमेंट करना चाहिए उसके बाद क्या है प्रॉफिट इज यूजली यूज वेन डिस्क्राइबिंग बिजनेस एक्टिविटी बट विद एन इनकम हैज प्रॉफिट इट इफ वट इज लेफ्ट आफ्टर पेइंग द बिल्स अभी क्या हुआ जो खर्चा हमारे पास जो पैसा हमारे पास बचता है सारे पैसे देने के बाद उसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट अभी यहाँ जो तीन तरीके के प्रॉफिट बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं ग्रॉस प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट अगर हम लोग इनके बारे में डिटेल में बात करें तो देखिये दोस्तों क्या होता है ग्रॉस प्रोफिट क्या होता है ग्रॉस प्रोफिट जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे मीन्स डायरेक्ट खर्चे देते थे अगर आपने क्या किया है हजार रुपए का आप सामान लेके आए उस पर आपने सौ रुपए की लेबर लगाई बीस रुपये का भाड़ा दिया क्या हो गया यहाँ पे आपकी ग्यारह सौ बीस रूपये का खर्चा आपका हो चुका है अब इस ग्यारह सौ रुपए बीस के खर्चे में अगर आपका दो सौ रुपए का प्रोडक्ट मार्केट में बच जाता है आपके पास स्टॉक में और उसके बाद जो बचा हुआ प्रोडक्ट है उसको आप बेच लेते हैं सपोज हजार रुपए के ऊपर तो क्या हो गया कि आपने हजार रुपए का प्रोडक्ट बेच दिया और दो सौ रुपए का प्रोडक्ट के पास रखा हुआ था तो टोटल बारह सौ रुपये हो गया और आपने बनाने में लगाए थे ग्यारह सौ बीस रुपये तो यहां पे जो अस्सी रुपया आपका बचा हुआ है ये हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट तो ध्यान रखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट में जितने भी डायरेक्ट खर्चे होते हैं उनको आप माइनस करते हैं जो बचता है वो हो गया ग्रॉस प्रॉफिट अब हम जब नीचे उतरेंगे तो उसके बाद कैलकुलेट क्या करेंगे जो भी हमारे ऑपरेटिंग के खर्चे हैं फैक्ट्री चलाने में जो खर्चे लगे थे उसको भी हम उसमें से माइनस कर लेंगे सपोज अगर दस रुपए के खर्चे वहां पे लग रहे थे तो हमने अस्सी में से दस माइनस कर दिया सत्तर जो बचा ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसमें हमने ऑपरेटिंग के जितने खर्चे थे उनको भी माइनस कर लिया अब जो बचा हुआ हमारा सत्तर रुपए है इसमें से हम अपने बाकी सारे खर्चे माइनस करेंगे जिसमें हमारी सैलरी हो गई बिजली हो गया पानी हो गया लीगल हो गया इस तरीके के जितने खर्चे हैं सबको माइनस करेंगे सपोज अगर चालीस रुपए में वो सारे खर्चे निकल गए तो सत्तर में से चालीस चला गया अब जो बाकी बचा तीस रुपए है ये तीस रुपए हो गया हमारा नेट प्रॉफिट तो इसी तरीके से प्रॉफिट की पूरी डेफिनेशन होती है प्रॉफिट को हम लोग डिसाइड करते हैं आगे चलते हैं अब हम लोग बात करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट इज अ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस रिलेटेबल टू मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग और सर्विसेज जैसे मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉफिट का पैसा आपके पास बचा है सारे खर्चे माइनस करने के बाद वो हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट ऑपरेटिंग में होता है कंपनीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इट्स टोटल अर्निंग फ्रॉम इट्स कोर बिजनेस फंक्शन फॉर अ गिवन पीरियड एक्सक्लूडिंग द डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्सेस इंटरेस्ट और टैक्स की डिडक्शन करने के बाद जो भी जितने ऑपरेशन के खर्चे थे वो सब हम लोग माइनस कर लेते हैं जो पैसा बचता है उसको हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट आगे चलते हैं अब हम लोग बात करेंगे नेट प्रॉफिट के ऊपर जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के तहत भी समझाया था कि हमने सारे खर्चे माइनस कर लिए इंटरेस्ट भी माइनस कर लिया टैक्सेस भी माइनस कर ले इसके बाद भी जो प्रॉफिट हमारा बचा है वो होगा हमारा नेट प्रॉफिट इट रिप्रेजेंट्स द फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ अ कंपनी आफ्टर ऑल इट्स एक्सपेंसिस पेड ऑफ फ्रॉम इट्स टोटल रेवेन्यू सारा खर्चा माइनस करने के बाद जो हमारा पैसा बचा है ये पैसा होता है हमारा नेट प्रॉफिट का तो तीन तरीके के प्रॉफिट हो गए ग्रॉस ऑपरेटिंग और नेट दोस्तों देखा होगा जब भी आप प्रोडक्ट की प्राइसिंग करते हैं उसकी कॉस्टिंग डिसाइड करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपकी कॉस्टिंग हो सकता है कि आपकी जो सोच हो जिस प्र, जिस प्राइस पे आप उसको मार्केट में लिस्ट करना चाह रहे हैं उससे भी ऊपर जा रही हो तो ऐसे केसेस में क्या हो सकता है आपकी प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो इफेक्टेड हो सकती है इसीलिए आपको करना क्या होता है कि आपको अपने कॉस्ट को कंट्रोल करना होता है क्योंकि पैसा कमाने का दो तरीका है या तो आप हाई मार्जिन पे बेचिए और या अपनी कॉस्ट को कम कर लीजिए सपोज अगर प्रोडक्ट बनाने में आपका सौ रुपये लग रहा है और मार्केट में वो एक सौ बीस का ही बिकेगा तो आप बीस ही रुपए कमा पाएंगे क्योंकि उसके प्राइस को आप ज्यादा हाई नहीं कर सकते डिमांड की वजह से तो अगर आप चाहते हैं कि आप ज्यादा कमाएं तो आपको जो उसकी कॉस्टिंग है सौ रुपये उसको कंट्रोल करनी पड़ेगी तो जो हमारा आज का सेशन है वो इसी इसीलिए बात करेगा कि कॉस्ट को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं प्लस उसका कैसे हम बेटर मैनेजमेंट कर सकते हैं तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखिए हम लोग बात करेंगे कॉस्ट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के टोटल कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट क्या क्या कहता है इसमें देखिए क्या होता है प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट जो होती है इसके अंदर कॉस्ट कंट्रोल आता है रिसोर्स प्लानिंग आती है कॉस्ट एस्टिमेशन आता है और कॉस्ट बजटिंग आती है ये चार कॉन्सेप्ट इसके अंदर आते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है कंट्रोलिंग चेंजेस टू द प्रोजेक्ट बजट कॉस्ट का जो टोटल ओवरऑल हम लोग कंट्रोल करते हैं ये इसका फर्स्ट पार्ट है सेकेंड में हम लोग बात करते हैं रिसोर्स प्लानिंग की डिटरमाइन द पीपल इक्विपमेंट मटीरियल नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे डिसाइड ये करना होता है कि आपको प्रोजेक्ट बनाने में किन की किन की मदद चाहिए कौन कौन से ऐसे वो लोग हैं जिनको आप अपने पास एसोसिएट कर सकते हो तब आपका ये काम हो पाएगा आगे देखिए उसके बाद होता है कॉस्ट एस्टिमेशन कॉस्ट का एस्टिमेशन अगर आप करना चाहते हैं तो आपको ये डिफाइन करना है कि डेवलप एन अप्रोप्रिएट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज नीडेड टू कंप्लीट दी प्रोजेक्ट पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए क्या क्या रिसोर्स और कैसे चाहिए वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं उसके बाद आता है हमारा कॉस्ट बजटिंग का एस्टिमेशन एलोकेशन ऑफ ओवरऑल कॉस्ट एस्टिमेट टू प्रोडक्ट बजट इसमें हम लोग क्या करते हैं टोटल अपना बजट प्रिपेयर करते हैं कि हमारी कॉस्टिंग किस लेवल तक जा सकती है तो ये कुछ चार पांच इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे थे कॉस्ट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड आगे चलते हैं और हम लोग बात करेंगे कॉस्ट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पे हम लोग किस तरीके से इसका मैनेजमेंट ओवरऑल कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉस्ट कंट्रोल इज अ इन प्रैक्टिसनेजमेंट एंड और रिड्यूसिंग बिजनेस एक्सपेंसेस जो यहां पे बात लिखी गई है रिड्यूसिंग बिजनेस एक्सपेंसेस इसको अगर आप ध्यान से समझिए जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि बिजनेस के एक्सपेंसेस को अगर आप रिड्यूस करते हैं तो आपकी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सकती है तो अगर आपको अपनी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ानी है तो आपको बिजनेस के एक्सपेंसेस रिड्यूस करने पड़ेंगे उन एक्सपेंसेस को रिड्यूस करने के लिए जो कॉस्टिंग होती है इसको आपको करना पड़ेगा कंट्रोल कॉस्ट कंट्रोल स्टार्ट बाजनेस आइडेंटिफाइंग टोटल कॉस्ट आर एंड costs आर reasonable एंड अफोर्डेबल यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है क्या वो लागत उचित और सस्ती है क्या आपको उससे कम रेट में भी कहीं कोई प्रोडक्ट मिल सकता है अगर मिल सकता है तो जितनी यूटिलिटी वो प्रोडक्ट आपको दे रहा है क्या उसके लिए वो लगने वाली कॉस्ट वेरिवेबल है क्या उसको हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है तो बिल्कुल आप उस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं वो जो टोटल कॉस्ट आपकी लग रही है वो काम की है आगे चलते हैं और हम लोग बात करेंगे टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल के बारे में दोस्तों देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि कॉस्ट कंट्रोल आपको करना है क्यों करना है क्योंकि आपको प्रॉफिट बढ़ाना है बट अगर आप कॉस्ट कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए टेक्निक भी तो कुछ होनी चाहिए ना मीन आप कैसे कंट्रोल करेंगे तो यहां पे दो इंपॉर्टेंट टेक्निक बताई गई है सबसे पहले वो होता है वैल्यू एनालिसिस दूसरा होता है मेथड स्टडी अभी आप देखेंगे तो वैल्यू एनालिसिस जैसे मैंने आपको बताया ये कॉन्सेप्ट बात करता है उसी सारे तरीकों की जहां पे आप डिसाइड करते हैं कि सपोज अगर हम प्रोडक्ट बना रहे हैं किसी लेबर की सैलरी जो है वो पंद्रह हजार रुपए है तो क्या वो पंद्रह हजार रुपए का हमको आउटपुट दे रहा है तो आपको ये अपने आप से डिसाइड करना है कि जो भी कॉस्टिंग में जो पैसा लग रहा है क्या उसकी उतनी वैल्यू है कोई मटीरियल आप लेके आते हैं वो मटीरियल आपके जो टोटल प्रोडक्ट बन रहा है उसका मेजर प्रोडक्ट है मतलब मेजर रॉ मटीरियल जो होता है वो प्रोडक्ट आपका है और आपका प्रोडक्ट बनने के बाद एक का बिकेगा आप रॉ मटेरियल का एक सामान लेके आते हैं इसकी वैल्यू पचास रुपए है तो आपको देखना है कि वो पचास रुपए के लायक है कि हम पचास रुपए का मटेरियल लाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट 120 में बिकेगा तो इस तरीके के जो हम एनालिसिस करते हैं ये होते हैं हमारे वैल्यू एनालिसिस के पार्ट उसके बाद पार हम लोग के पास आती है मेथड स्टडी मेथड स्टडी क्या होती है यहाँ पे डिटेल हम लोग अध्ययन करते हैं एक पूरा मेथड बनाते हैं उसके तहत हम एनालिसिस करते हैं कि क्या जो हमारी कॉस्टिंग है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं नहीं होता है ये एक साइंटिफिक मेथड हो सकते हैं टेक्निकल बहुत सालों से फॉलो कर रहे हैं इसमें हम अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को एक मेथड के तहत स्टडी करते हैं और बाद में हम उसमें पाते हैं कि अगर कोई खर्चे ऐसे हैं जो हम एक्सेसिव कर रहे हैं जिनको कंट्रोल करके हम अपना प्रोडक्ट सस्ते दामों पर बना सकते हैं तो इसको हम लोग करते हैं मेथड एनालिसिस के तहत आगे चलेंगे हम लोग इसी को और डिटेल में समझेंगे देखिए वैल्यू एनालिसिस जो आपको बताया था वैल्यू इज एन अप्रोच टू विच कॉस्ट सेविंग दैट डील्स विद प्रोडक्ट डिजाइन जैसे मैंने आपको बताया था कि जो प्रोडक्ट आपका है उसकी डिजाइन से रिलेटेड ये कंट्रोल होता है यहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि जिस तरीके का प्रोडक्ट हमारा काम कर रहा है उसके लिए जितने हमने खर्चे करे क्या वो उतनी वैल्यूज को दे पा रहे हैं दूसरा है ऑब्जेक्टिव ऑफ वैल्यू एनैलिस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच कॉस्ट इन अ प्रोडक्ट दैट डू नॉट इन एनी मैनर कंट्रीब्यूट टू स्पेसिफिकेशन और फंक्शनल वैल्यू आपको ये डिसाइड करना है कि क्या वो जो खर्चा आपने किया है उससे आपकी प्रोडक्ट को कोई वैल्यू मिल रही है अगर आपने पंद्रह हजार का एक मैनेजर रखा हुआ है अपने प्रोडक्ट के सुपरविजन के लिए तो क्या उसको अगर आप हटा देंगे तो आपके प्रोजेक्ट में कोई चेंजेस आ जाएंगे प्रोडक्ट आपका महंगा सस्ता होगा या उसकी क्वालिटी में कुछ इंप्रूवमेंट या डिग्रेडेशन होगा अभी आपने देखा है बड़ी बड़ी कंपनीज ना बहुत ज्यादा ले ऑफ कर रही है अपने इंप्लॉइज को हटा रही है वो इसीलिए हटा रही है क्योंकि वो करती है वैल्यू एनालिसिस उनको लगता है कि हमने दस आदमी रखे हुए हैं बट इनसे कोई प्रोडक्ट में तो इंप्रूवमेंट हो नहीं रहा है ना ही कोई हमको वैल्यू मिल रही है इसलिए उन लोगों को कंपनी से निकाल दिया जाता है वैल्यू इज वेरी हेल्पफुल इन इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शन इज डन ऑन लार्ज स्केल एंड इन सच केसेज इवन ए फ्रैक्शन ऑफ सेविंग्स इन द कॉस्ट वुड हेल्प इन फ्रॉम सिग्निफिकेंटली अभी जो मैंने आपको बताया कि अगर आप दो चार पांच रुपए की सेविंग कर लेते हैं तो आपको लगेगा कि पांच रुपए बचा के हम क्या कर रहे हैं बट आप अगर प्रोडक्ट पांच रुपए बचाते हैं और आपकी कंपनी में एक करोड़ यूनिट प्रोडक्शन होता है साल का तो आप अंदाजा लगाइए कि आपने पांच रुपए बचा के आपने पांच करोड़ की सेविंग कर ली साल में जब आप पांच करोड़ को देखेंगे तो आपको बहुत लगेगा बट छोटे लेवल पे पांच रुपए भी बहुत ज्यादा लगता है आप ये सोचेंगे कि पांच रुपए बचा के हम कर क्या रहे हैं बट जब आप इसको एक्यूमुलेट करेंगे तो हो सकता है वो पांच रुपए आपका पांच करोड़ बन जाए इसलिए जो वेली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा आगे चलते हैं हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जो कि था मेथड स्टडी से रिलेटेड दोस्तों देखिए मेथड स्टडी क्या कहता है मेथड स्टडी इज अस्टमेटिक सिस्टम ऑफ वर्क डेटा एंड क्रिटिकल इवेल्यूशन ऑफ एक्सिस्टिंग प्रपोज वेज ऑफ अंडरटेकिंग दी वर्क दिस नोन एज

कि उस मेथड के काम करने के साथ साथ हम क्या कर सके कि अपना जो मेरा प्रोडक्ट है वो सही रेट पे प्राइज है और उसकी कॉस्टिंग जो है वो इफेक्टिव है वो डिसाइड हो पाए आगे चलते हैं और हम लोग बात करेंगे स्टेप्स इन कॉस्ट कंट्रोल के ऊपर जो कॉस्ट कंट्रोल के स्टेप्स होते हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं सबसे पहले हमारा आता है प्लानिंग उसके बाद आता है कम्युनिकेशन देन मोटिवेशन देन अप्रेजल आता है और लास्ट में आता है डिसीजन मेकिंग तो कॉस्ट कंट्रोल के हमारे ये पांच स्टेप होते हैं ये क्या कहते हैं देखिए प्लानिंग में हमें पूरा प्लान बनाते हैं कि कॉस्ट को हमको कंट्रोल कैसे करना है कहाँ पे हम पैसा बचा सकते हैं कम्युनिकेशन में क्या होता है कि ये जो प्लान बनाया होता है इसको हम कम्युनिकेट करते हैं उन सारे लोगों को जो कि रिलेटेड होते हैं उस कॉस्ट कंट्रोल के डिसीजन को एग्जीक्यूट करने में आगे होता है क्या मोटिवेशन उन लोगों का फिर मोटिवेशन किया जाता है कि जो भी प्लान बनाया गया है जो आपको बताया गया है उसको आप सही से करिए ये प्रोसेस हमारा पूरा होता है मोटिवेशन में उसके बाद क्या होता है हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि डिसीजन लिया जाता है कि कहाँ पे उसको एग्जीक्यूट करना है कहा नहीं करना किस लेवल तक करना है ये सब डिसीजन मेकिंग में होता है लास्ट में आता है हमारा अप्रेजल अप्रेजल क्या होता है कि जिसने सही काम किया है या जिसने अच्छा काम किया है उसको अप्रेज करते हैं जिससे कि उसका एक मोटिवेशन हो वो आगे और बेटर काम करने के लिए मोटिवेट रह सके तो ये हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं कॉस्ट कंट्रोल से रिलेटेड आगे हम लोग बात करेंगे कॉस्ट मैनेजमेंट की जो मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट टू डिटरमाइन एंड कंट्रोल द रिसोर्सेज नीडेड टू परफॉर्म एक्टिविटीज एंड क्रिएट एसेट अभी देखिए कंट्रोल और मैनेजमेंट में अगर आप डिफरेंस समझना चाहेंगे तो वो डिफरेंस ये है कि मैनेजमेंट बात करता है कंटिन्यूअस प्रोसेस की दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट

यहां पे हम लोग बात करते हैं किस तरीके से हम अपनी कॉस्ट को मैनेज कर सकते हैं आगे देखिए कॉस्ट मैनेजमेंट के प्रोसेसिस क्या होते हैं जैसे मैंने आपको कंट्रोल के प्रोसेस बताए उसी तरीके से ये मैनेजमेंट के भी प्रोसेस है सबसे पहले इसमें होता है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द कॉस्ट विद इन योर प्रोजेक्ट आपको अपने प्रोजेक्ट में लगने वाली सारी कॉस्ट का एक एनालिसिस करना है उसके बाद क्या है इंश्योर दैट एक्सपेंसेस आर अप्रूव्ड बिफोर परचेजिंग जो आपके एक्सपेंसेस हैं क्या वो प्रॉपर तरीके से अप्रूव करे गए हैं आपने सामान परचेज करने से पहले उसके बाद क्या होता है कीप अ सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफ कॉस्ट इनकर्ड आपने जो भी कॉस्ट इनकर्ड करी है उसका आपको एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है और लास्ट में आता है कंट्रोल ओवरऑल कॉस्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट आपको अपने प्रोजेक्ट की ओवरऑल जो कॉस्ट है उसको भी कंट्रोल करना है तो ये जो सारे स्टेप्स मैंने आपको बताए ये थे कॉस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड दोस्तों आज का ये सेशन यहीं पे एंड होता है मैं आशा करता हूं मैंने आपको जो कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताया है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा धन्यवाद हेलो एवरीवन अगर आप भी कोई बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं जो कि कम इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट हो और एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन दे तो मैं कुणाल शर्मा आपके सामने लेके आया हूँ कुछ ऐसे ही स्मॉल स्केल बिजनेस आइडियाज़ जिन्हें आप स्टार्ट कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं तो बात करते हैं हमारे सबसे पहले बिजनेस आइडिया की जो कि है हमारा स्टेपल पिन अगर हम ध्यान दें कि स्टेपलर पिन जो होते हैं हमारे कहीं ना कहीं हमारे ऑफिस के वर्क में या फिर स्कूल के वर्क में डॉक्यूमेंटेशन वर्क में कहीं ना कहीं हमेशा रिक्वायरमेंट होता है स्टेपलर पिन की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं स्टेशनरी पर जाते हैं या फिर हम डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज लेते हैं जहाँ से हम स्टेपल पिन को अक्वायर करते हैं तो क्यों ना आप भी कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करें जिससे स्टेपल पिन को मैन्युफैक्चर करें और लोगों को सप्लाई करें अब बात करें स्टेपल पिन की वैसे तो ये देखा गया है कि बहुत से हमारे कॉमन टर्मिनोलॉजीज है या फिर हम बहुत ही एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है और कॉमन ऑब्जेक्ट है क्योंकि स्टेपल पिन एक ऐसा बिजनेस है जो कि अभी अंडर वैल्यूड है लोगों ने इसकी पहचान ही नहीं है कि इसकी कितनी हम इसको प्रॉफिटेबल ले जा सकते हैं कितना इसको रीच ले जा सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम स्टेबल पिन को देखते हैं तो बहुत ही एक स्मॉल हमारा कॉमोडिटी लगता है लेकिन उसको बनाने के लिए भी एक हमारे स्पेशल टेक्निक होती है या फिर स्पेशल मशीन्स होती हैं अब अगर मैं बात करूँ इस बिजनेस की जैसे मैंने बोला स्मॉल स्केल पर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता कि हमें बहुत सारी मशीनरी रिक्वायरमेंट होती है या बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है हमें कहीं ना कहीं स्टेनलेस स्टील की हमें वायर्स चाहिए होती हैं जो कि हमारे स्टेपल पिन का रूप लेती हैं इसी तरीके से हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल्स होते हैं जिससे हम स्टेपल पिन को बनाते हैं क्योंकि हर एक स्टेपल पिन में एक अलग रिक्वायरमेंट होती है किसी की स्ट्रेंथ कम होती है किसी की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है किसी को आपने देखा होगा कि लेंथ जो होती है वो वेरी करती है तो इसी अकॉर्डिंग स्टेपल पिन जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में सप्लाई होती है अब मैं अगर बात करूँ जो इसका पोटेंशियल है क्योंकि स्टेपल पिन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा मास क्वान्टिटी में यूज़ करी जाती है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होल्ड करके रखती है इसी तरीके से आप देखें अगर इंडियन स्टेशनरी मार्केट में अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन इसका जो बिजनेस था वो तकरीबन फोर करोड़ का एक वैल्यूएशन करा गया था तो ऑफिस में और अगर हम बात करें नॉर्मल जो हमारे स्कूल्स में लगा या फिर डॉक्यूमेंटेशन वर्क में लगा तो यहाँ की एक मार्केट इंडिया में सिर्फ अगर हम देखें तो वो तो तकरीबन चार हज़ार करोड़ की थी इस तरीके से अगर आप कोई स्टेट को टारगेट करते हैं या किसी आप एक इंडिविजुअल सिटी uh, को टारगेट करते हैं और वहाँ पर अपना स्टेपल पिन को सप्लाई करते हैं तो डेफ़िनेटली आप एक अच्छा बिजनेस ग्रो कर सकते हैं इसके साथ ही अगर मैं देखूँ ये कही कहीं ना कहीं हमारी एक एसेंशियल नीड बन गया और जब भी कोई प्रोडक्ट हमारा कोई नीड बनता है रादर देन कोई एक हमने उसको फैंसी या फिर ऑब्जेक्टिव डिफरेंट तरीके से हमने उसको यूज़ करा जब कोई हम प्रोडक्ट उसको नीड बना के चलते हैं तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है इसी तरीके से स्टेपल पिन को हम किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं क्योंकि डेफिनेटली बहुत से ऐसे हमारे पास कंज्यूमर्स या फिर हम बात करें मैन्युफैक्चरर्स होंगे जो पहले से स्टेपल पिन को बना रहे हैं लेकिन आप किस तरीके से उसको यूनिक ला सकते हैं और किस तरीके से उसको एग्जीरेट कर सकते हैं क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी यूनिक है आप उसकी पैकेजिंग चेंज कर सकते हैं आप उसकी जो स्टाइल है उसको चेंज कर सकते हैं और एक अच्छा रूप दे सकते हैं जिससे लोगों को एक इंट्रीक बने एक उसकी अपीयरेंस बने और लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा एट्रैक्टिव होकर खरीदना भी चाहें तो सिर्फ ये प्रोडक्ट एक एसेंशियल नीड ना बन के रह जाए बल्कि एक फैंसी आइटम ही बन के रहे तो जो जो कि इससे किसी को डेकोरेटिव भी लगे और जो आपका डॉक्यूमेंट document, डॉक्यूमेंटेशन है जो मेन वर्क है वो एक काफ़ी इन्ेंसमेंट हो तो इसी तरीके से आप स्टेपल पिन को भी स्टार्ट कर सकते हैं और इसका जो अगर हम मार्केट पोटेंशियल देखें क्योंकि हर कोई अगर बिजनेस करना चाहता है तो डेफिनेटली मार्केट में रिसर्च करता है कि क्या उसका पोटेंशियल है अगर मैंने आज स्टेपल पिन का बिजनेस स्टार्ट करा तो क्या आने वाले टाइम में सस्टेनेबल है क्या इसमें फ्यूचर है प्रॉफिट है तो डेफिनेटली अगर हम देखें मार्केट पोटेंशियल देखेंगे तो जो तकरीबन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं यानी कि जिनको हम अभी कैलकुलेट भी नहीं करते उनकी मार्केट अगर हम सिर्फ लें तो वहाँ देखेंगे आप तकरीबन इसमें सिक्स थाउजेंड करोड़ का बिज़नेस जो है वो स्टेपल पिन करती है अकेले इसी के साथ जो ग्लोबल मार्केट है वो हमेशा दर बदर बढ़ती जा रही है क्योंकि जो इसका सी है या फिर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो तकरीबन एट से लेकर टेन तक ग्रो करता है और इसी तरीके से ये हर साल कहीं ना कहीं एनुअली ग्रोथ करते रहता है और इसी तरीके से हम अगर इस बिजनेस में आज स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली हम कुछ अलग करके इसको बहुत आगे ले जा सकते हैं इसी तरीके से हमारे पास टारगेट कंज्यूमर्स जो होते हैं और आजकल जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उसमें हमें कोई भी प्रोडक्ट हम इजीली सेल आउट कर सकते हैं रीच बढ़ा सकते हैं और कस्टमर्स को हम अक्वायर कर सकते हैं अगर हम बात करें इसके प्रॉफिट मार्जिन की तो डेफिनेटली इसका जो रॉ मटेरियल है वो कहीं ना कहीं स्टेनलेस स्टील है जो कि अबंडेंस में हमारे पास अवेलेबल होता है और जो आप रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसको आप हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल लेना चाहिए क्योंकि ऐसे भी बहुत लोग करते हैं कि कहीं ना कहीं चीप रॉ मटेरियल ले लिया और उसको हाई प्रॉफिट मार्जिन के साथ बेच रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं कही आपने देखा होगा कि उसमें जंक लग जाता है और वो किसी भी प्रोडक्ट जो आपका है वो आप वो जो अपना फंक्शनैलिटी है उसको पूरा अटेंड नहीं कर पाता इसी वजह से हमें एक अच्छा क्वालिटी का रॉ मटेरियल लेना चाहिए स्टार्टिंग में अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा भी नहीं हो रहा लेकिन एक ट्रस्ट वर्दी आपकी एक जो ऑडियंस बन रही है तब आप एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन में गेन से कर सकते हैं लेकिन स्टार्टिंग में आपको क्वालिटी पे बहुत फोकस करना पड़ेगा और उस तरीके से आपको एक बिज़नेस बिल्ड करना पड़ेगा एक ट्रस्ट जो होती है एक लॉयल्टी जो होती है वो बिजनेस में क्रिएट करना पड़ेगा तो आपका हर एक बिज़नेस जो है वो डेफिनेटली ग्रो करेगा इसी के साथ अगर हम बात करें हमारे दूसरे बिज़नेस की तरफ जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट है वो है हमारा वर्मिसली अब वर्मिसली आप सभी लोगों ने यूज़ करा होगा आप सभी लोगों ने खाया होगा कहीं ना कहीं किसी क्योंकि इसको बनाने के बहुत सारे बहुत सारे तरीके होते हैं कोई इसके सेवै सेवैयाँ बनाता है कोई इसका एक हमारा नमकीन टाइप का प्रोडक्ट बनाता है और हर एक स्टेट में इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से नाम से बोला जाता है और उस तरीके से यूज़ करा जाता है वही अगर हम वर्बिसली की बात करें तो इसकी मार्केट भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि आजकल हम बात करें स्नैक फूड्स की जो स्नैक फूड्स है उसकी मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ती है क्योंकि स्टार्टिंग में भी अगर हम देखें जब हम उठते हैं सुबह या फिर ऑफिस कहीं जाना होता है तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरा एक प्रॉपर मील लें तो कहीं ना कहीं एक फ़ास्ट जल्दी बन जाता है इजी टू तो कुक होता है और इसको हम बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती इसी वजह से इसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा ग्रो करती रहती है और अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं अगर मैं बात करूँ डेफिनेटली हमारे पास एक डेफिनेट जो हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं इसमें रॉ मटीरियल या फिर हम, हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो हमारे पास सिर्फ मैदा चाहिए होता है या फिर अगर डिफरेंट डिफरेंट हम तरीके से बना रहे हैं मैदा या सूजी तो उससे तरीके से हम उसको इन्ग्रीडियंट को लेते हैं और हमारे पास जो मशीन होती है मशीन जो होती है इसमें हमारे पास एक्सट्रूडर मशीन होती है उसको हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम हमारे डाई को चेंज कर सकते हैं और एक प्रॉपर लेंथ में हम उसको काट देते हैं क्योंकि आपने देखा होगा कहीं कहीं इसकी जो लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है कहीं इसकी कम होती है तो वो जो लेंथ कटती है वो हम अपने अकॉर्डिंगली काट कर सक आ, हम हम अपने अकॉर्डिंगली काट सकते हैं और एक मशीन के साथ आप बहुत इजीली इस प्रोडक्शन को आप फुलफ़िल कर सकते हैं तो डेफ़िनेटली एक स्मॉल स्केल बिजनेस है और ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कॉम्प्लेक्स इसमें प्रोसेस है या प्रोसीजर है आपको एक क्वालिफिकेशन चाहिए होगी आप अगर घर से भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो मशीन इंस्टॉल कर सकते हैं और इजिली uh, आप थ्री फेज़ या सिंगल फ़ेज सप्लाई से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि हम देखेंगे कि अगर हमारा जो पॉपुलरी इंस्टेंट फूड बन के आ रहा है एक तरीके से तौर पर और इसी तरीके से अगर इसमें हम हाई प्रोटीन को बनाना चाहें या फिर हम बात करें कि किस तरीके से हम एक अलग तरीके से मार्केट में आए क्योंकि पहले से इसमें मार्केट में कॉम्पिटिशन रहेगा तो हम एक नया इन्ग्रीडियंट ला सकते हैं या फिर हम बात करें जो सोयाबीन्स होते हैं या फिर जो ग्राउंड नट फ्लोर होते हैं तो जो सोया फ्लोर होता है या फिर जो सोया का आटा होता है वो खुद में एक प्रोटीन और न्यूट्रिशन से भरा हुआ होता है तो आप उसको अगर ऐड करके बना रहे हैं तो डेफ़िनेटली एक अच्छा मार्केट पोटेंशियल है और आप इसको एज अ हेल्दी प्रोडक्ट भी आप इसको सेल आउट कर सकते हैं तो इस तरीके से कुछ ना कुछ नया ला आप अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं और इस बिज़नेस में आप अपने प्रोडक्ट को बढ़ा सकते हैं इसी के साथ हम इसके मार्केट पोटेंशियल की बात करें तो ये देखा गया है कि जो इसका मार्केट साइज़ था वो तकरीबन हमारा 180 मिलियन डॉलर था जो कि जो कि हमारा 2019 में था इसी के साथ हम हर एक बिज़नेस को देखते हैं कि कितना सी एच से वो ग्रो कर रहा है कितने कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से वो बढ़ रहा है तो यहाँ पर देखा गया है वो वो सिक्सटीन रेट से वो बढ़ रहा है और हर साल कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है आप देख सकते हैं अब ये बात करते हैं कि जो ये रीच करने वाला है इसका फ्यूचर जो होने वाला है वो तकरीबन 450 या फिर हम बात करें 449 मिलियन डॉलर बिज़नेस ये क्रिएट करने वाला है और एस्टिमेट ये देखा गया है कि आप सिर्फ इसको इंडिया में सप्लाई करके नहीं बेच सकते बल्कि आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं क्योंकि आप यहाँ पर कम प्रॉफिट मार्जिन में साथ कमाएंगे लेकिन अगर आप इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो एक अच्छी खासी आप प्रॉफिट मार्जिन में कमा सकते हैं तो सिर्फ अगर आप एक बिज़नेस बना रहे हैं या फिर क्रिएट कर रहे हैं तो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि हम एक्सपोर्ट करें और वहाँ से भी एक अच्छी खासी अर्निंग हो तो उस तरीके से आप पूरे बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं इस तरीके से अब हम बात करते हैं हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे बिजनेस की तरफ जो कि हमारा बहुत ही टेस्टी या फिर बहुत ही यूजफुल हमारा जो कहते हैं पानीपूरी अब पानीपूरी हम बिज़नेस जो था आप सभी ने अभी जब भी पानीपुरी के नाम आता है तो कहीं ना कहीं क्योस्क याद आता है ध्यान में लेकिन अब आप पानीपूरी को एक मशीन के तौर से बना रहे हैं और उस वजह से क्या होता है कि पहले क्या होता था कि पानीपूरी जब हम खाते थे या फिर हम यूज़ करते थे तो कहीं ना कहीं उसमें हाइजीन की बहुत प्रॉब्लम रहती थी कि लोग देखते थे कि किस तरीके से हम उसको वाटर ले रहे हैं या फिर किस तरीके से ये पानी पूरी बनाई गई होगी तो अब क्या हो रहा है कि हर एक ऑडियंस जो है वो ग्रो कर रही है और हम जिस तरीके से हम इंटरनेट की जो दुनिया है उसमें हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने हेल्थ को भी हम ध्यान रख रहे हैं हाइजीन की तरफ भी बढ़ रहे हैं तो हर कोई चाहता है कि जो भी वो प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है वो काफ़ी हेल्दी हो और इस वजह से उसमें क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको ऑटोमेट कर सकते हैं और जो हम पहले क्या करता था कि लेबर इंटेंसिव प्रोसेस जो होता था उसको आटा को बेल के फिर उसको छान के फिर उसको प्रोसेस करके गोलगप्पा बनाते थे या फिर हम पानी पूरी बनाते थे उसको पूरे प्रोसेस को हमने एक मशीन के थ्रू फुलफ़िल करते हैं और इस मशीन के साथ आप क्या कर सकते हैं एक फास्ट प्रोडक्शन हो सकता है तो अभी कहाँ अभी जब हम बात करते थे कि अगर मान लीजिए कोई ओकेजन हुआ जैसे मैरिज फंक्शन हुआ वहाँ पे भी क्या होता है कि गोलगप्पे की सप्लाई होती है वहाँ पे भी गोलगप्पे खाए जाते हैं तो बहुत सारी हमें फास्ट कर, प्रोसेस बनाना होता है या फिर हम बात करें कि बहुत ही रैपिड प्रोडक्शन करना होता है और उसमें कहीं ना कहीं हम डिमांड और सप्लाई को फुलफ़िल नहीं कर पाते और वहाँ पर आप एक मशीन ले सकते हैं और जिस मशीन से आप ये पूरा प्रोसेस कम्प्लीट कर सकते हैं और ये काफ़ी हाइजेनिक भी रहता है ऑटोमेटेड भी रहता है और इसमें यूनिफॉर्मिटी भी रहती है यूनिफॉर्मिटी का मतलब वो ये होता है कि अगर हम बात करें अगर कोई नॉर्मल इंसान इसको अगर हम हेले या फिर उसको बनाए तो कहीं ना कहीं साइज़ में वेरी करता है कोई बड़े होते हैं कोई छोटे होते हैं वहीं आप मशीन के मशीन uh, को सिर्फ से एक सेट करके आप उसको डिफरेंट डिफरेंट साइज़ में बना सकते हैं अगर आप छोटे गोलगप्पे प्रेफर करते हैं तो वो छोटे साइज़ का दे सकता है मीडियम साइज़ का और लार्ज साइज़ का तो इस तरीके से आप उसको वेरी कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है क्योंकि पानी पूरी एवरग्रीन बिजनेस है हर कोई इसको यूज़ करता है हर कोई इसको खाता है और बहुत सारे ओकेजन होते हैं चाहे और ये फुल सीज़न में या तो हम बात करें ठंड में भी खाते हैं लोग गर्मी में भी खाते हैं एवरी सीज़न में इसको प्रेफर करते हैं तो डेफिनेटली अगर आप इसको बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एक अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि आमतौर पर बहुत से ऐसे ओगेजन है या फिर बहुत से ऐसे होटल्स हैं वहाँ पर भी कहीं ना कहीं पानीपूरी की रिक्वायरमेंट होती है और उनको एक अच्छा और एक यूनिफॉर्म क्वालिटी का चाहिए होता है जो आप इस मशीन से फुलफ़िल कर सकते हैं और पानी पूरी मशीन को बनाने में भी या फिर इन्वेस्ट करने में भी आपको बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा आपको सिर्फ एक जो हमारे वेल्डर्स होते हैं या फिर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सप्लायर्स होते हैं उनको कनेक्ट करके और एक अच्छा खासा आप एक मशीन बना सकते हैं जो आप अपने बजट के हिसाब से बना सकते हैं कि आप अगर बड़े स्केल पे ले जाना चाहते हैं तो उसको आप बड़े या फिर हम बात बात करें मल्टीपल मशीन्स ले सकते हैं अगर आप स्मॉल स्केल पे ले रहे हैं तो आप अपने एक छोटे से प्रोडक्ट के साथ अपने छोटे से बैच के साथ उसको स्टार्ट कर सकते हैं तो इस तरीके से तकरीबन ये देखा गया है कि इसमें जो पानीपुरी की मशीन जो बनती है बहुत सारी इसमें वेरायटी होती है लेकिन अगर एवरेज हम बात करें प्रोडक्शन रेट का तो तकरीबन हमारे पास तेरह से ले कर फोर्टीन पीसेस जो होते हैं वो एक घंटे में बन के आ जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक घंटे में इतने सारे पीसेस बन के आ रहे हैं और वो भी यूनिफॉर्म साइज़ के साथ तो डेफिनेटली ये बहुत ही परफेक्ट बिजनेस है अगर आप इसको फुलफ़िल करते हैं और एक अच्छा टारगेट आप ऑडियंस पकड़ते हैं तो डेफ़िनेटली बिजनेस आपका ग्रो करेगा इसके मार्केट पोटेंशियल की बात करें तो डेफिनेटली गोलगप्पे को बताने की जरूरत नहीं है कि कितना इसको लोग चाहते हैं क्योंकि इंडिया में भी एस्टिमेट करा गया है कि तकरीबन इसका छः हज़ार करोड़ का बिज़नेस है और सी ए जी आर जो है वो बीस से बाईस परसेंट का ग्रो कर रहा है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पोटेंशियल लगता है ये बिज़नेस आइडिया और इसके साथ ही अगर हम बात करें कि जो इंक्रीज़ पॉपुलैरिटी जो हो रही है स्ट्रीट फूड जो हो रहा है उसकी जो इंक्रीज़ है या फिर ऑडियंस जो है वो रिटेंशन बहुत ज़्यादा होती है और कहीं ना कहीं जो हमारे सोशल मीडिया या फिर फूड ब्लॉगर्स हैं उनके वजह से भी एक जो हमारा स्ट्रीट फूड के जो इनहांसमेंट आई है ग्रोथ आई है वो भी बहुत ज़्यादा देखी जा सकती है तो बहुत ही प्राइम टाइम है आप उसको यूज़ कर सकते हैं और जल्दी से आप इस बिजनेस में आ सकते हैं अब हम बात करते हैं हमारे चौथे प्रोडक्ट की जो कि हमारा कॉटन विक अब कॉटन विक या फिर हम बात करें जो हमारे बत्ती होती है जो हमारी कॉटन से बनी होती है उसका आप एक प्रोडक्शन कर सकते हैं उसको आप एक स्मॉल स्केल पे स्टार्ट कर सकते हैं जो कि अगर आप मान लीजिए रूरल एरिया में है तो डेफ़िनेटली वहाँ तो आप स्टार्ट कर ही सकते हैं बल्कि अर्बन एरिया में भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है टेम्पल्स हो गए या फिर ओकेजन हो गया कोई फेस्टिव सीजन हो गया तो वहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है क्योंकि हर दिन क्या होता है सुबह कहीं ना कहीं कही हमें दिया जलाना होता है और इसके लिए हमें कॉटन विक की जरूरत पड़ती है क्योंकि पहले ये हमारे पास होता था कि हम कॉटन से खुद बनाते थे लेकिन अब क्या होता है कि बनी बनाई हमारे पास जो विक्स होती हैं बत्तीज होती हैं वो आती हैं और उस वजह से ये प्रोसेस बहुत ही एक तो हमारा जो कंज्यूमर है उसको बहुत ईज मिलता है और उसको बहुत आराम मिलता है क्योंकि अब उसको पूरा अलग से प्रोसेस नहीं करना पड़ता एक रेडीमेड बन के आता है और जब जब आप कोई प्रोडक्ट ऐसा बनाते हैं जिससे कि आपके कंज्यूमर को ईज़ पहुँचती है और एक कन्वीनियंट अमाउंट में आप उसको बेचते हैं तो आप डेफिनेटली वो बिजनेस आपका बहुत सक्सेसफुल होता है इसी तरीके से अगर हम बात करें कॉटन विक्स की तो कॉटन विक्स एक बहुत अच्छा बिजनेस है क्योंकि बहुत कम दाम से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है और आप उनको भी हायर कर सकते हैं जो एक वर्किंग वूमेन नहीं है और जो घर चला रही हैं उनको भी आप पार्ट टाइम में उनको ले सकते हैं और वहाँ से आप उसको बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप ऑटोमेटिक में नहीं जा रहे हैं तो अगर आप ऑटोमेटिक में जा रहे हैं तो डेफ़िनेटली एक मशीन ले सकते हैं और वहाँ से आपका पूरा प्रोसेस कैरी आउट हो सकता है इसी तरीके से डिमांड जो होती है वो हर हाउस में रहती है सेल्स ईजिली क्योंकि ये अच्छे क्यों इसको हमें मार्केट की जरूरत नहीं है क्योंकि हर किसी की रिक्वायरमेंट होती है अच्छे हम दाम में ये बिकता भी है और प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा होता है क्योंकि हम इसको कॉटन बंडल लेते हैं कॉटन बंडल अक्वायर करने का एक आ, प, आ, आ, हमारे कॉस्ट आती है रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट की इसके बाद मशीन से सारा प्रोसेस होता है और उसके बाद आप अपना लेबल या फिर अपनी ब्रांडिंग के साथ आप उसको सेल आउट कर सकते हैं क्योंकि अपनी ब्रांडिंग का भी एक अलग वैल्यू होती है क्योंकि आप उसमें कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है और एक अच्छी ब्रांडिंग के साथ आप उसको सेल आउट कर रहे हैं तो वो काफ़ी अच्छे से बिकता है और आप उसमें अच्छा प्रॉफिट मार्जिन में कमा सकते हैं इसी के साथ जैसे मैंने बोला था आप इसको घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं बहुत ही ईजिली इसमें मशीन की रिक्वायरमेंट होती है या फिर आप इसको ऑटोमेटिक नहीं जा रहे तो आप सेमी ऑटोमेटिक से भी स्टार्ट कर सकते हैं और एक अगर मैं बात करूँ ऑटोमेटिक का यही खासियत होती है कि इसमें यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहती है और गुड क्वालिटी हमारे विक्स बनती है क्योंकि एक साइज़ की बनती है और इसमें यह भी रहता है कि मटेरियल वेस्टेज बहुत कम होता है क्योंकि आप मशीन से जब आप बनाते हैं तो वो पहले से ही पूरा एक प्री डिटरमाइंड रहता है कि कौन सा हमें साइज लेना है कितना अमाउंट में हमें कॉटन को लेना है और उस कॉटन से ही वो पूरा बनाते हैं कॉटन विक्स तो उस तरीके से मटेरियल वेस्टेज भी बहुत कम होता है और रिसोर्सेज जो होते हैं हमारे बहुत ही एफिशिएंटली यूज़ होते हैं इसके अगर हम मार्केट पोटेंशियल की बात करें तो ये देखा गया है कि जो इसका मार्केट है तकरीबन दो में वो वैल्यू जब हमने देखा था तो वो तकरीबन वो नाइन मिलियन यू डॉलर था और इसका जो क्यूमलेटिव या फिर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो तकरीबन हमारा थ्री से ग्रो कर रहा है और ग्रोइंग नंबर ऑफ डिमांड हमेशा जैसे डिमांड जो है वो हमेशा बढ़ती हुई आ रही है और जिस तरीके से अर्बनाइजेशन हो रहा है ग्लोबलाइजेशन हो रहा है वो तो वहाँ पर हमें क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट जो जैसे, जैसे जैसे घर बढ़ते जा रहे हैं जो जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते जा रहे हैं हर एक घर के रिक्वायरमेंट बढ़ते जा रही है वहाँ कहीं ना कहीं हमें जो कॉटन मिक्स है उसकी भी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है और डेफिनेटली अगर आप इसको स्टार्ट करते हैं तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं अगर आप कुछ यूनिक लाते हैं इसमें कोई साइज़ का या फिर आप कलरफुल लेके आते हैं और कुछ ऐसा लेके आते हैं कि जिसमें आप स्मेल का भी कुछ कर सकते हैं जिसमें फ्रेग्रेंस भी आ सकती है तो आप कहीं कही ना कहीं एक हट के भी यूनिक प्रोडक्ट बना सकते हैं ताकि जब आप मार्केट में एंटर करें तो आप इजीली एक आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और अपनी एक अलग पहचान भी बना सकते हैं तो ये थे हमारे आज के चार प्रोडक्ट्स जो कि आप एक स्मॉल स्केल पर स्टार्ट कर सकते हैं ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी डिमांड हमेशा बनी रहती है तो आप डेफिनेटली इन प्रोडक्ट्स को पढ़ के इनको समझ के एक अच्छे मार्केट रिसर्च करके आप इस बिज़नेस में एंटर कर सकते हैं और ये हम आशा करते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट्स आइडियाज अच्छे लगे होंगे क्योंकि तो ये कुछ एसेंशियल आइटम्स हैं जिनकी डिमांड हमेशा बनी रहती है और आप इस बिज़नेस में एंटर करके एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं थैंक यू